लेकिन पूरी करने के लिए साथियों का खून करना मर्डर करना पूरी जिंदगी तो मुसलमान का डब्बा जलवाया नहीं गया होता और मुसलमानों को मारे नहीं काटे गए बच्चियों को आपने कहा कि जलवाया नहीं गया होता डब्बा इसका क्या मतलब हुआ और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया अंदर से जलाया गया है संभाल लीजिए मतलब कंट्रोल थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें आपका लंबा उनके साथ अनुभव रहा है आप उनके पूरे जर्नी को कैसे देखते हैं आपने वो उस दौर देखा जब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे वो प्रचारक थे आर के फिर आपने उनको राजनीति में आते हुए देखा एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा और फिर अब आप उन्हें एक प्रधानमंत्री के तौर कोई ऐसी बात उस समय की अगर आप साझा करना चाहें उनके बारे में जो आपको अच्छी लगती थी या बुरी लगती थी उनके बारे में देखिए किसी के बारे में खराब बोलना बुरा बोलना वो हमको फिट नहीं होता है इसलिए कई बातें होती हैं और हर एक की अपनी क्वालिटी होती है देखिए एम्बिशन जो होती है वो पूरी करने के लिए लाइक ए बिलियर जो होती है ना आप बॉल इसको मारेंगे दूसरा जाएगा तो ये जो इनका सिस्टम रहा कि बॉल इधर मारो और ये जाएगा इस हिसाब से ये इनकी एम्बिशन पूरी रही और राजनीति में एम्बिशन गलत बात नहीं है हाँ, हाँ। एम्बिशन नहीं होगी तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे काम नहीं कर लेकिन एम्बिशन पूरी करने के लिए साथियों का खून करना मर्डर करना साथियों के साथ विश्वासघात करना साथियों की कॉन्स्पिरसी करना साथियों के साथ षड्यंत्र करना परिवार में ही आपस के एक दूसरे को लड़ाना करना ये चीज़ ठीक नहीं होती है इसलिए हम उसमें हम नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और हमने अपने आप को अलग कर लिया नहीं है तो आप ये ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें वो कर पहले <laughs> तो मैंने निकाले ठीक है बाद में किसने निकाले वही भाई वही बीजेपी वही आर तो धरती कंप को भाई पटेल ने करवाया था क्या अर्थ के कच्छ में हुआ जब तो फेलर, तो फेलर होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलर होता है केशुभा थोड़े फेलर होते हैं तो केशुभा के समय दर्द के हुआ केशुभा ने दर्द के को कंट्रोल नहीं किया हटाओ केशुभा को तो ये जो जो कच्चे दिमाग के लोग जिन्होंने बात मानी आर एस एस के लोगों का जो कच्चा दिमाग होता है ये मैं कहता हूँ ये क्यों मानी आपने बात केशु भाई तो आपको आप, आपके स्वयं सेवक भाई नहीं रहे पूरी जिंदगी आर एस एस में निकाली केशुभा ने आखिर तक जिंदा रहे तब तक तो भाई को क्यों निकाला किसकी थी केशुभा को हटाकर बैठने के लिए ना कि उन्नीस सौ पंचानबे से बहुत लंबा अरसा बीत गया बीजेपी सत्ताईस साल से सत्ता में है और आपने उस पार्टी को बहुत अंदर से देखा है और बाहर से भी देखा है ऐसी कौन सी चीज है भारतीय जनता पार्टी में जो उसे गुजरात की राजनीति में अभेद्य बना दी है बनाती है उसको मतलब ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ से ऐसा लगता नहीं कि अब बीजेपी को हराया भी जा सकता है गुजरात में ऐसी स्थिति क्या है खासियत क्या है ये जो है ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है हर एक समाज के अपने गुण दोष होते हैं गुजरात बेसिकली राइट आइडियोलॉजी वाला स्टेट रहा रिलीजियस जितने भी लोग रहे दुनिया भर के यहाँ आए यहाँ रोटी खाई घर में रहे लोगों को कन्या उठा कर ले गए बहुत लोग कोई भी बचा नहीं इसमें एक गुजरात में अगर गोधरा मा डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते राजधर्म उस समय निभाया होता तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए अगर इन ऐसे के राइट एडियोकल स्टेट है और भाषण ऐसा होता था हम है तो आपकी बच्ची है घर आपने लड़के घर वापस आते अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लेकिन ये भाषण होता है क्या डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाओं को मारेंगे ये कोई, कोई रीत होती है भाषण नेताओं की रक्षक भक्षक बनेंगे क्या गुजरात में रक्षक भक्षक बने तो आप कह रहे हैं कि 2002 के दंगे की वजह से बीजेपी एक सवाल ही पैदा नहीं होता इट इज रिकॉर्ड और दंगे की चोट पर मैं कहता हूँ कि गोधरा का डब्बा जलवाया नहीं गया होता और मुसलमानों को मारे नहीं काटे गए बच्चियों को प्रेग्नेंट बहनों को बुढ़ों को बिल्कुल राक्षस लोग बन गए बनाए गए यही लोग थे कल पड़ोसी थे सर एक चीज आपने <coughs> बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अब यहाँ पे मैं आप <coughs> इसलिए आपको आपने कहा कि जलवाया नहीं गया होता डब्बा इसका क्या मतलब हुआ इसका डब्बा की आप यहाँ आने वाले थे किसको मालूम था पार्थेज को मेरे को और आपको जी वो वो कार सेवकों का जाने का समय था आने का समय नहीं था अच्छा कौन से कार सेवक कहाँ से आए किसने बुलाए एक ही डब्बे में बैठे रिजर्वेशन था नहीं था क्या था एक कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि ये आने वाले हैं वो है तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ेगा कि डब्बे में लोग बैठे हैं और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाएगा अंदर से जलाया गया है विथ कॉन्स्पिरसी पूरी जान बूझ करके ये हिंदुओं को जलाओ हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे तो आप ये, के कि ये पूरा षड्यंत्र पूरा पूरा हाँ, तो, उंगली करता हूँ तो तो सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं मानता गलत होता है इंक्वायरी कमीशन को बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है और ये बिटवीन द लाइन्स मैं जो कहता हूं और मैं जो जानता हूँ इन सबको ये पूरा षड्यंत्र था गुजरात में बीजेपी को बहुमत लाने का और उसमें कुछ नहीं निकलता आज भी नहीं निकलेगा क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया दंगों का जिक्र किया जहां से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में उदय हुआ तो मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही थी गुजरात की पॉलिटिक्स में तब आप लोगों ने उनको किस तरह से वेलकम किया या उनका विरोध किया आप लोगों ने बुलाया उनको वापस किया था एक सिस्टम है आरएसएस की स्टेट ऑर्गेनाइजिंग पार्टी जो होगी उसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग ये आरएसएस का प्रचारक होगा जी uh, मैं था पहले मैं अध्यक्ष बना तो नेचुरली वो जगह खाली थी जी। उसमें से आरएसएस का कोई एक प्रचारक को जनरल सेक्रेटरी इसमें बनाना था तो आरएसएस के प्रचारक जो होते हैं इनके हादरी में सब तय होता है कि भाई अब ये प्रचारक आप ले जाओ तो हमने उस समय एक हमारे एक लालजी भाई पटेल थे गुजरात बेसिकली पटेल क्षत्रिय पटेल क्षत्रिय तो अच्छा रहेगा पॉलिटिकली हमने कहा कि इनको दीजिए तो इन्होंने फिर कहा कि नहीं दरद रबे को अभी रखिए और फिर दो तीन महीने के बाद हमको रिपोर्ट करिए कि क्या हो रहा है दो तीन महीने के बाद जो लोग हम गए थे वो सब गए कि भी हमको ये सूट नहीं होते हैं हम हमको सूट नहीं होते हैं सब ऑल टू वन अभी जिंदे है सुरेश मेहता जिंदा है कई लोग जिंदे है लेकिन ये आप लोगों ने विरोध किया था Okay. पूरी टीम ने पूरी बीजेपी ने इसके बावजूद आप लोग रोक पूरे बीजेपी ने कहा कि ये हमको शूट नहीं होता है मामला हमको लालजी भी दीजिए और कोई दीजिए हाँ. इनको रहने दीजिए अच्छा लेकिन जो लॉजिक था कि क्या आरएसएस का कंट्रोल बीजेपी पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो नेचुरली आर वाले चाहेंगे कि बीजेपी पर तो कंट्रोल होना चाहिए हमारा तो हम कंट्रोल करते इसलिए पसंद नहीं है इनको तो बोलते हाँ ये सही है और वो लोग गलत हैं तो हम लोग गलत थे सब बेसिकली ये है कि संघ के आगे, आगे आप लोग झुकना लो पड़ा कहे थे आप, आप, आप संभाल लीजिए अब संभाल लीजिए मतलब कि ऑर्डर ऑर्डर टू यू प्लीज कंट्रोल एकदम रियालिटी जो है वो समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना बस यही है अब बताइए मैं क्या करूंगा एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ अपने हाथ को इस तरह कैसे रखिए इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट right हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा बी एंड डी बी पो थोड़ी मत रखिए मन पर